हजरत के एक जुमले ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। और वो जो मेरी देखिए, कोई एक बाज़ुकात इंसान बड़ी किताबें पढ़ता है और बाज़ुकात एक जुमला, अब ये जुमला आप देखें कि वो आबिद इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई नफा नहीं पहुंचा। अब ये इतना हो कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझसे तो अल्लाह मेरे मर्तबे का पूछेगा कि पूरे पाकिस्तान में चंद लोग थे जिनको डॉक्टर बनाया, अल्लाह नहीं बनाया ना, बेशक, और फिर उसके बाद क्यों बनाया कि तुम नाफे इल्म हासिल कर रहे थे जिससे मखलूक का नफा हो। अब ये बताओ कि कितने लोगों का नफा हुआ। कब्र में नेमतें देने वाला नेमतों के मुतल्लिक पूछेगा कि दी तो तुझे मैंने नेमतें थी ताकि तू मेरे करीब हो जाए, तो मेरी नेमतें इस्तेमाल करके जहन्नुम तक कैसे पहुंच गया। और गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। बल्कि एक और जुमला कि हम जिंदगी फिरौन की मांगते हैं और आकिबत मूसा की मांगते हैं। तो ये देख लेना कि अगर आपकी नमाज का अमल आपकी जिंदगी में जाहिर होना चाहिए, कोई शख्स तलाश करो जो तुम्हें दुआ दे, लेकिन एक शर्त है, उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ दो, वो तुम्हें देखे और दुआ दे, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि वो तुम्हें देखे और दुआ। क्यों? गुनाह खतरनाक है रूह के लिए जी। तो हम रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। सही बात। आज का डॉक्टर इसलिए पूरा कामयाब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म को फोकस कर रहा है, रूह पहले बीमार होती है, जिस्म उसको फॉलो करता है। पुराना बिलीफ यही था, जितने भी मुस्लिम जो हकीम थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उनका ये बिलीफ था कि रूह पहले बीमार होती है, सही, जिस्म उसको फॉलो करता है। तो जब हम रोजा रखते हैं खा तो कुछ भी नहीं रहे, लेकिन रूह स्ट्रांग होनी शुरू होती है और फिर जिस्म उसको फॉलो करता है। अभी रिसर्च है, 3 दिन का फाका, ठीक है ना, 3 दिन अगर आपने फास्टिंग की है प्रोलॉन्ग, और उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन होती है। अच्छा। और जितने पुराने खुलिए हैं उनको नए सिरे से बॉडी बनाती है दोबारा से, ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन फास्टिंग के जरिए। ऑटोफेजी 2016 या 17 का नोबेल प्राइज विन कर चुका है बंदा। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही पुरानी के जितना खुराक जरूरी है उससे खुराक से दूर रहना जरूरी है। और ख्याल भी एक खुराक है, सिर्फ रिस्क खाना पीना तो नहीं है। तो अब आप देखें कि आप अपने आप को किन ख्याल से फीड कर रहे हैं, मनफी मनफी मनफी, वो थॉट्स बिकम थिंग्स। ये जब आपका जब आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाए ना, तो फिर वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार करती है।